गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी और बीए प्रथम वर्ष की ज्योग्राफी के अंतर्गत। हम पिछली कक्षा में चर्चा किया था हमने प्रवाल भित्तियों के बारे में, और देखा था हमने प्रवाल भित्तियों के क्या क्या कारण होते हैं और वो कैसे बनती है, उनकी स्थलाकृतियाँ कैसे होती है, प्रकार वगैरह वगैरह सब पढ़ लिया था हमने। आज की इस कक्षा में हम एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे जो जलमंडल के संदर्भ में आपका आखिरी टॉपिक होगा। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमने जो छोड़ा था आपके टॉपिक कोपेन और थॉर्नथ्रेट का जलवायु वर्गीकरण, उसको हम देखेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षाओं में उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ जीवमंडल से संबंधित चीज़ें हैं उनको अध्ययन कर लेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवम बायोम ये देख लेंगे। उसके बाद आपकी ये किताब पूरी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे महासागरीय निक्षेपों के बारे में, क्या होता है निक्षेप और क्या नहीं होता, इसके निक्षेप कौन कौन से होते हैं, उन सभी को डिस्कस करते हैं। चलिए महासागरीय निक्षेप। देखिए, निक्षेप कहते हैं जमावों को। मैंने आपको एक चीज़ बताया था जब अपरदन पढ़ा रहा था, अपरदन परिवहन निक्षेपण, कटाव बहाव और जमाव। तो निक्षेप का मतलब होता है जमाव। जिस तरीके से स्थलाकृतियों के निर्माण में जो स्थल पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं वो क्या करती है, महाद्वीपों पर जमाव करती है। जैसे वायु उड़ा करके अपवाहन क्रिया द्वारा किसी स्थल पर जमा कर देती है वायु के टीलों को, रेत के टीलों को। इसी तरीके से नदियां अपने साथ ले जा करके डेल्टाई क्षेत्र में जो है जमाव करती है। तो समुद्रों में भी इस तरीके के बहुत सारे निक्षेप पाए जाते हैं, जमाव पाए जाते हैं, जिनमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। अलग अलग चीज़ें कैसी कैसी, जैसे समुद्रों में कभी जाने का मौका मिले या कभी समुद्रों के बारे में पढ़ने का मौका मिले, तो हम पाएंगे कि समुद्रों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती है जो अलग अलग किस्म की होती है। स्थलों पर पाए जाने वाली जमावों में तो एक चीज़ हो सकती है, दो चीज़ हो सकती है, कुछ चीज़ें हो सकती है, लेकिन समुद्रों में जमने वाली चीज़ों में कई सारी चीज़ें होती हैं। उनमें स्थलखंडों से नदियों द्वारा लाया गया जमाव जो अवसाद के रूप में होता है वो भी जमता है। उसमें ज्वालामुखी जो उत्पन्न होती है, ज्वालामुखी की राख धूल ये सब भी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी जरूरी नहीं है स्थलखंड पे ही उत्पन्न होती है, ज्वालामुखियों का उत्पन्न उद्गार स्रोत समुद्रों में भी होते हैं, तो वहाँ भी होती है। इसके अलावा लाल मिट्टी, पंख वगैरह, बहुत सारी कीचड़ वाली मिट्टियाँ होती है वो भी उसमें पाई जाती है। समुद्री जीव जो मरते हैं उनके अवशेष भी उसमें पाए जाते हैं। समुद्री वनस्पतियां होती हैं उन वनस्पतियों के अवशेष भी उसमें पाए जाते हैं। समुद्री जीव जंतुओं के जो मल है वो मल भी उसमें पाए जाते हैं। जो जीव जंतुओं के खोल है, जैसे प्रवाल भित्ती में बता रहा था आपको, वो प्रवाल भित्तियों के निक्षेप भी उसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं, उन सभी के निक्षेप उसमें पाए जाते हैं। तो समुद्री निक्षेपों के बारे में हमको पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो समुद्री निक्षेप मुख्यतः सभी महासागरों में और सागरों में जमे हुए मिलते हैं। समुद्री निक्षेपों की बात कर ली जावे तो समुद्री निक्षेप मुख्यतः दो विद्वान हैं। सबसे पहले तो आया था हेरोडोटस नाम का विद्वान, जो इतिहास का पिता कहलाता है और ऐतिहासिक भूगोल का जनक कहलाता है, एक ही बात है। तो इतिहास के पिता भी कह सकते हैं हम इनको और ऐतिहासिक भूगोल के पिता भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने समुद्री निक्षेपों के बारे में लोगों को बताया था। फिर उसके बाद सर जॉन मरे आए। सर जॉन मरे ने इसको अपनी पुस्तकों में लिखना शुरू किया और उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि समुद्री निक्षेप किस तरीके से होते हैं, क्या होते हैं। तो समुद्री निक्षेपों को हम पढ़ते हैं।
तो समुद्री निक्षेप कह सकते हैं, महासागरीय निक्षेप कहते हैं। मुख्यतः जो ये निक्षेप होते हैं ये दो भागों में बांट करके इनका अध्ययन किया जाता है। एक तो स्थलीय भागों से जमे हुए निक्षेप जो किसी भी माध्यम से स्थल में गए हुए हों, और एक जलजात निक्षेप जो समुद्री भागों से ही जमे हुए हैं। ठीक है, तो इस महासागरीय निक्षेपों को मुख्यतः दो भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। एक भाग तो है स्थलीय निक्षेप, स्थलीय या स्थलजात, स्थलजात निक्षेप, और दूसरा प्रकार इसका है उसको कहते हैं हम जलीय निक्षेप या जलजात निक्षेप, जिनका स्रोत क्या है, जल ही है, यानी कि वही सागर उसका स्रोत है जमने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो जलीय निक्षेपों में है और स्थलीय निक्षेपों में। तो स्थलीय निक्षेपों के अंतर्गत तो मुख्यतः जो जमने वाली चीज़ें हैं उनमें एक तो बजरी होती है, बजरी। ठीक है, बजरी के अलावा रेत होती है। हम स्थानीय भाषा में रेत और बजरी दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा कणों की मोटाई के अंतर्गत कुछ अंतर होता है। मृत्तिका, मिट्टी, गाद जिसको बोलते हैं, पंख इसको भी कीचड़ ही बोलते हैं, जो बहुत बारीक मिट्टी होती है उसके कणों का व्यास 1 मिलीमीटर से भी कम होता है, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती है। ठीक है, तो मृत्तिका है, पंख है, ये सारी चीज़ें हैं जो सिल्ट भी कहते हैं इसको, ये स्थलजात निक्षेपों के अंतर्गत है जो स्थलीय माध्यमों से जाती है। क्योंकि ना तो बजरी समुद्रों में पैदा होती है, ना कीचड़ समुद्रों में पैदा होता है बगैर नदियों द्वारा, नदियाँ ही इनको उसके अंदर लेके जाती है। अब जलजात निक्षेपों के अंतर्गत देखिए, जलजात निक्षेपों को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। एक तो जैविक निक्षेप है जिसमें जीव जंतुओं का कुछ अंश होता है, और एक क्या हो जाएगा, अजैविक निक्षेप जिसमें जीव जंतुओं का कोई अंश मौजूद नहीं होता। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि समुद्रों में जो निक्षेप पाए जाएंगे उनमें जीव जंतु भी पाए जाएंगे, उनमें मिट्टी भी पाई जाएगी, उनमें ज्वालामुखी के उद्गार वाले कण भी पाए जाएंगे। तो उन सभी का ये डायग्राम के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। तो स्थल से आने वाले तो बजरी, रेत, मृत्तिका, सिल्ट, गाद, पंख वगैरह ये है, और जलीय क्षेत्रों से आने वाले एक तो जैविक है और एक अजैविक है। तो अजैविक को सबसे पहले देख लेते हैं हम। अजैविक में क्या होगा मुख्यतः, अजैविक में होगा ज्वालामुखी, क्या होगा ज्वालामुखी। देखिए ज्वालामुखी उद्गार जो होता है वो केवल स्थलों पर ही थोड़ी होता है, ज्वालामुखी उद्गार समुद्री क्षेत्रों में भी होता है। समुद्री क्षेत्रों में जब ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो उससे उत्पन्न हुई राख वो कहाँ जाएगी, कह सकते हैं कि भाई गैसें तो चली जाएगी वायुमंडल में, अब राख जो उसके साथ ऊपर उड़ी है वो राख नीचे तो आएगी ना भाई, कभी कभी राख, इसके अलावा बहुत सारे उसमें टूटे फूटे कण जो ज़मीन में से निकलते हैं, पत्थर, कंकड़, लावा वगैरह, वो सब कहाँ जाएगा, वो वापस समुद्र में जाएगा, ठंडा होकर के वहीं पर जम जाएगा। तो वो ज्वालामुखी और उस ज्वालामुखी से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के तत्व, इसके अलावा ज्वालामुखी के अलावा उल्का पिंड आपने सुना होगा, उल्का पिंड। उल्का पिंड में क्या होता है, समुद्र के ऊपर कभी क्या होता है, आसमान से कोई छोटा सा उल्का पिंड, ग्रह, उपग्रह, फिर उसके बाद उल्के पिंड आते हैं छोटे छोटे, हालांकि छोटे छोटे इतने छोटे नहीं हैं, वो विशालकाय होते हैं होने को तो हमसे तो, लेकिन उनकी तुलना में बहुत छोटे होते हैं। वो कभी अपने परिक्रमण और परिभ्रमण पथ से छूट जाता है उनका परिभ्रमण कर, तो अंतरिक्ष में डोलते डालते वायुमंडल में आकर के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण
नीचे गिर जाते हैं, कभी तो स्थलों पे भी गिर जाते हैं, कभी समुद्रों में भी गिर जाते हैं। तो उनके गिरने से जो उनका माल है, उनमें मलबा जो होता है, वो मलबा कहाँ जाएगा? वो भी निक्षेपों के रूप में यहीं पर बचा रह जाएगा। तो उल्का पिंड है और ज्वालामुखी है, लाल मृत्तिका, लाल मिट्टी है, यह भी उड़ती उड़ती जो है समुद्र की गहराई में पाई जाती है। सबसे नीचे अगर कोई पंख पाया जाता है तो लाल मिट्टी के रूप में जो पंख पाया जाता है। देखिए स्थलों पर भी तो बहुत सारी चीज़ें उड़ती उड़ती एक जगह से दूसरी जगह पर जमती है। नदियाँ अपरदन का कार्य करती है, जमाऊ का कार्य करती है। सेम उसी तरीके की प्रक्रिया जब समुद्रों में होती है जमने वाली, तो उनको निक्षेपीकरण के नाम से जाना जाता है। और उसी निक्षेप को हम इस अध्याय के अंतर्गत, इस डायग्राम के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अजैविक में सिर्फ इतना ही है, ज्वालामुखी, उल्कापिंड और लाल मृत्तिका। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत जो भी चीज़ें शामिल है जिसमें जीव नहीं है, वो सारी चीज़ें अजैविक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अब जैविक के अंतर्गत क्या है गुरु जी? देखिए जैविक के अंतर्गत दो प्रकार के पंख पाए जाते हैं, एक दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक तो चूना प्रधान जीव, एक सिलिका प्रधान जीव, जो चूने के ऊपर निर्भर रहते हैं, चूना खाते हैं, और दूसरे सिलिका के ऊपर निर्भर रहते हैं, सिलिका उनका मुख्य भोजन है। तो ये दो प्रकार के जीव है। इन दोनों प्रकार के जो जीव है, ये दोनों प्रकार के जीव में कुछ दो दो जीव है जो मुख्यतः है। देखिए मैंने कल आपको जब प्रवाल भित्ति पढ़ाया था, तो प्रवाल भी एक जीव होता है जो उसके ऊपर खोल रहता है, वो खोल जमता रहता है, ठीक है, वो महासागरों के ऊपर में रहता है, लेकिन ये महासागरों की तली की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो चूना प्रधान जीव है और सिलिका प्रधान जीव है। तो चूना प्रधान जीव दो प्रकार के होते हैं, उनको हम लिखेंगे इसमें, एक तो रेडियोलेरियन पंख, फोरा मिनीफोरा जीव होता है एक रेडियोलेरियन पंख, रेडियोलेरियन इसमें नहीं है, ग्लोबिजेरिना है इसमें, ठीक है, चूना प्रधान में नहीं है। चूना प्रधान में मुख्यतः दो है, ग्लोबिजेरिना, ग्लोबिजेरिना पंख और टेरिपोड पंख, ये जीवों के नाम हैं, ठीक है। टेरिपोड और ग्लोबिजेरिना ये चूना प्रधान जीव है, और सिलिका प्रधान जीवों में एक तो है रेडियोलेरियन पंख, रेडियोलेरियन पंख, और एक है डायटम पंख। ये मुख्यतः है जो इन दोनों के अंदर पाए जाने वाले जीव है, ठीक है। चूना प्रधान जीव कौन कौन से हैं? ग्लोबिजेरिना और टेरिपोड, और सिलिका प्रधान कौन से है? डायटम और रेडियोलेरियन, ठीक है। इसको आप शॉर्टकट में अगर याद रखना है आपको, तो जीटी रोड के नाम से याद रखें, जीटी रोड है ना, जीटी रोड, जी से जीटी रोड, आर डी, तो जीटी से, जी से ग्लोबिजेरिना, टी से टेरिपोड, आर से रेडियोलेरियन, डी से डायटम। सिलिका प्रधान याद करने हैं आपको, तो डॉक्टर सिलिका के नाम से इसको याद रखना, डी आर, डॉक्टर सिलिका। सिलिका के अंतर्गत कौन से? डायटम और रेडियोलेरियन। इस तरीके से याद करने की कुछ ट्रिकें हैं जो आप खुद बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अपने स्तर पर आपको कुछ ऐसी चीज का नाम हमेशा याद रहेगा जो आप भूलेंगे नहीं, तो उस नाम से इन नामों का कोई मैच होता है तो आप उसी के माध्यम से अपनी ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि इन पे ज़्यादा यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी ना कभी कन्फ्यूजन की स्थिति में ये सारी चीज़ें हमको काम में लेनी पड़ती हैं, ठीक है। तो चलिए इस डायग्राम को आप उतार लीजिए। इस डायग्राम को उतारने के बाद हम आगे की पढ़ेंगे, आगे क्या चीज़ें हैं इसमें और उनको देखेंगे हम, इनका हम विस्तार से पढ़ेंगे इनको। तो चलिए मैं मिटा देता हूँ। हम स्थलीय स्थलजात निक्षेपों को पढ़ेंगे, बजरी, इनके कणों को देखेंगे हम,
चलिए बात कर लेते हैं हम स्थलजात निक्षेपों की। उससे पहले एक बात आपको लिखनी पड़ेगी, सर जॉन मरे के अनुसार, सर जॉन मरे के अनुसार अंग्रेजी में मरे ऐसे आएगा, ठीक है, मरे मुरे, ठीक है, सर जॉन मरे के अनुसार सर जॉन मरे के अनुसार क्या है, महाद्वीपीय मग्न तटों पर सौ से एक हजार फेदम की गहराई में स्थलीय निक्षेप पाए जाते हैं। स्थलीय निक्षेप क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कौन बोल रहा है ये, सर जॉन मरे जी बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि स्थलजात जो निक्षेप होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, 1000 मीटर की, 1000 फेदम की गहराई तक। 1000 फेदम का मतलब ये हुआ 1800 मीटर की गहराई तक, क्योंकि एक फेदम बराबर 1.8 मीटर होता है, ठीक है, और 100 फेदम बराबर 180, तो 1000 बराबर 1800 मीटर की गहराई तक ये पाए जाते हैं। ये जो स्थलजात निक्षेप होते हैं ये अलग अलग रंग के होते हैं, एक जैसे नहीं होते, अलग अलग रंग के होते हैं, या कह सकते हैं विभिन्न रंग के होते हैं, और संरचना के अनुसार आकृति के अनुसार स्थलजात निक्षेप निम्न प्रकार के होते हैं, लिख लीजिए इसको। फिर इसके बाद स्थलजात निक्षेपों में बजरी, रेत और सिल्ट, गाद, मृतिका, इनमें क्या डिफरेंट है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको लिख लीजिए सबसे पहले, सर जॉन मरे के अनुसार महाद्वीपीय मग्न तटों पर 100 से 1000 फेदम की गहराई में स्थलीय निक्षेप पाए जाते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, संरचना और आकृति के अनुसार स्थलजात निक्षेप जो है निम्न प्रकार के होते हैं। वो निम्न प्रकार कौन से प्रकार है, अग्रलिखित है, ठीक है, इसको मिटा के हम आगे लिखेंगे। चलिए लिख देते हैं उसको भी। सबसे पहले है बजरी। स्थलजात निक्षेपों के अंतर्गत लिखिए इसमें, स्थलजात निक्षेपों के अंतर्गत बजरी सबसे मोटे कणों का व्यास रखने वाले निक्षेप है, जो महाद्वीपीय मग्न तट के समीप ही पाए जाते हैं।
जाहिर सी बात है ये ज़्यादा मोटे होंगे तो ये ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे, समुद्रों के ज़्यादा अंदर तक ये नहीं जा पाते क्योंकि इनकी मोटाई जो है वो ज़्यादा होती है। मोटाई अगर कम होगी तो धीरे 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 नीचे बैठ जाएगी। देखिए कभी भी आप देख लेना, जब नदी निकलती है तो आप वहाँ जा कर के देखना, कभी जो मोटे मोटे कंकड़ है वो नदी की शुरुआत में रहेंगे, जो धीरे 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 आखिर में जा कर के आपको बारीक बारीक कंकड़ देखने को मिलेंगे। वही सेम सिचुएशन यहाँ पर होती है। इसके बाद जो है इन कणों का व्यास, इनके कणों का व्यास जो होता है, कणों का व्यास कितने से कितना होता है, देखिए इनके कणों का व्यास 2 mm मिलीमीटर से लेकर के 256 mm तक होता है। कितना? 2 mm से लेकर के 2 mm से लेकर के 256 मिलीमीटर तक इनके कणों का व्यास होता है, यानी कि इतने छोटे से लेकर के इतने मोटे तक हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे मोटे जो कण होते हैं उनको बजरी कहा जाता है। फिर दूसरे नंबर पर रेत आती है। रेत ये भी जो है महाद्वीपीय मग्न तटों पर बजरी के निक्षेपों के बाद मिलते हैं। आगे ठीक है। और रेत के कणों का व्यास 2 mm से कम। ठीक है, अब बताइए इसमें कम कौन सा है? कम यही है ना, 2 mm। 2 mm से लेकर 1/8 mm तक होता है। ठीक है, 1/8 mm का मतलब यह हुआ कि 1 mm के भी 8 टुकड़े कर दें, इतने छोटे इनके कण होते हैं। उसको क्या कहा जाता है? रेत कहा जाता है। ठीक है, बजरी हमने समझ लिया है, रेत हमने समझ लिया है। फिर आता है आपका सिल्ट, गाद, मृत्तिका या पंख। ये तीनों चारों चीज़ें एक ही है। इनको मुख्यतः कह दिया जाता है कीचड़। सिंपल सी भाषा में इनको क्या कह दिया जाता है? कीचड़। अब कीचड़ में आपने देखा होगा कि कण मोटे मोटे होते हैं कि भाई नहीं होते ना, बहुत महीन होते हैं, धूल के जैसे कण। तो उनका व्यास 1 mm तो क्या बहुत कम होता है, 0.5 mm भी नहीं होता। mm से कम अगर कोई नापने वाली प्रणाली होती है तो उससे भी कम उसका व्यास होता है। तो इसमें लिख लीजिए, ये सबसे बारीक कण होते हैं, सबसे बारीक कण होते हैं ये महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय चबूतरों पर पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसमें। और इनके कणों का व्यास 1/8 से कम लिख लीजिए आप। ठीक है, कम होता है 1/8 से, कुछ किताबों में तो 1/8092 mm तक लिखा हुआ है। 8092 का मतलब क्या हुआ? 1 mm के टुकड़े के आप 8000 टुकड़े कर दीजिए उसके बराबर। ठीक है, तो ये हमारे महासागरीय निक्षेप से संबंधित कुछ चीज़ें थी। उम्मीद है आज का चैप्टर आपके समझ में आया होगा। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, इसको उतार लीजिए आप, एक दो मिनट का टाइम आपके पास है।